नमस्कार दोस्तों, मैं ई चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से शीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचनाओं में से सबसे पहली सूचना है, अखिल भारतीय बीएड संघ सुप्रीम कोर्ट में बीएड की जीत की सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों के बीएड संगठनों की सहमति से ज्वाइंट अकाउंट जारी किया गया है। आप सभी जो भी अभ्यर्थी हैं इसमें आवेदन इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट्स में बैलेंस डालें। कारण है कि आज पेमेंट करनी है वकील साहब को, और अगर पेमेंट नहीं हुआ तो केस लूज हो सकता है। कल बहुत अच्छी बहस हुई है और उसको लेकर के बीएड अभ्यर्थी उत्साहित हैं। तो जो भी बीएड के अभ्यर्थी हैं वो अपनी सहयोग राशि इस बार कोड या बैंक अकाउंट जो दिया है उसके थ्रू इसमें डाल सकते हैं, और गूगल पे, फोन पे आदि सभी जो है इन्होंने जारी कर दिया है। तो इस तरह से जो भी बीएड के अभ्यर्थी हैं और बीएड के पक्ष में रिजल्ट चाहते हैं, वो वकील की फ़ीस समझ ही रहे हैं आप, तो उसके लिए अभ्यर्थी इसमें प्रयासरत हैं तो आप अपना सहयोग राशि इसमें डालें। वहीं ओल्ड कैंट कटरा जो प्रयागराज है उससे वैकेंसी आई हुई है आर्मी पब्लिक स्कूल की, उसमें टीजीटी पीजीटी दोनों की बेसिस पे है। आप देखेंगे पहले टीजीटी की वैकेंसी में मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश इन सारी सब्जेक्ट्स के हैं, जिसमें कि सीटेट और जो परीक्षा कराई जाती है वीएस की, इसमें उसका सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से मांगा गया है। वहीं जो है प्राइमरी की भी वैकेंसी इसमें है, लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी है। तो आप सभी जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड हों और सर्टिफिकेट रखते हों वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से भी जो पीसीएस की भर्ती है उसका फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो गया है, तो जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड हों इसमें भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के प्रत्यावेदन शुरू हो गया है। प्रसिद्ध स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती में एक नंबर से फेल अभ्यर्थियों के ऑनलाइन प्रत्यावेदन मंगलवार से शुरू हो गए। 25 अगस्त 2021 तक हाईकोर्ट में याचिका या अपील करने वाले अभ्यर्थी 19 जनवरी तक प्रत्यावेदन दे सकते हैं। दुर्गेश शुक्ल समेत अन्य अभ्यर्थियों ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी का आभार जताया है। तो कुल मिला के भाई 4 साल बाद इसमें आगे कार्यक्रम चल रहा है, तो अभ्यर्थी इसे उत्साहित हैं। वहीं बात करें एक नई भर्ती की, तो चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 की जो भर्ती है उसमें पदों से कम आए आवेदन, अब सीधे होगा इंटरव्यू। तो पदों से कम यह पहली भर्ती जा रही है जिसमें कि आवेदन आए हैं, और इसके लिए अब सीधे इंटरव्यू आयोजित की जाएगा। जो भी अभ्यर्थी इंटरव्यू में पास होंगे उनको अंतिम रूप से चयनित कर लिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी खबर है उन सारे अभ्यर्थियों के लिए जो कि इसमें अप्लाई किए। वहीं दिया है नर्स भर्ती इंटरव्यू में भड़के अभ्यर्थी। लोहिया संस्थान के बड़े पैमाने पर रिटायर्ड नर्सों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इन नर्सों में 61,000 रुपये हर महीने मानदेय देने का प्रावधान किया गया है। मंगलवार को संस्थान के प्रशासनिक भवन में साक्षात्कार भी शुरू हुए, 40 पदों के लिए थे, जहाँ वहीं इन संविदा कर्मियों को 61,000 रुपये प्रतिमाह दिया जा रहा है। वहीं अन्य के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है, और उसको देखते हुए बेरोजगार जो नर्स है वहां पहुंच गए, जिससे शोर शराबा हुआ। अंत में जो प्रक्रिया है रोकनी पड़ी। वहीं डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति उम्र 65 साल करने की तैयारी सरकार कर रही है, क्योंकि डॉक्टरों की काफ़ी कमी है और उसको देखते हुए यह कदम सरकार उठाने जा रही है। तो रिटायर्ड डॉक्टरों का भी नियोजन भी काफ़ी कम हो जाएगा, तो यह अच्छी खबर है डॉक्टर के लिए जो है उनको अब रिटायरमेंट 65 साल सरकार कर सकती है। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।